नमस्कार, मैं हूं अमित पाली और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। दीपों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार दीपावली आने में अभी दो दिन का वक्त बचा है। रंग बिरंगी मिठाइयों की जो दुकानें हैं सज चुकी हैं, एक दूसरे को मिठाई देने के लिए खरीदारी भी जमकर हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुकानों पर रंग बिरंगी टेस्टी मिठाइयों के पीछे की हकीकत क्या है, कैसे ये मिठाइयाँ बनाई जाती है? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ये मिठाइयाँ आपके सेहत को नुकसान तक पहुँचा सकती हैं। दिवाली से पहले ऑपरेशन मिठाई, शहर शहर सेहत बिगाड़ने वाली मिठाई। ये मिठाई आपकी दिवाली की रंगत बिगाड़ सकती है। दुकानों पर सजी गंदी मिठाइयों का सच देखिए, कहीं थूक लगाकर मिठाई बनाई जा रही है तो कहीं गंदे पानी से काजू कतली। ये रसगुल्ले जितने मीठे हैं उतने ही जहरीले भी। शहर से गांव तक गंदी मिठाई का गोलमाल। दिवाली के मौके पर मिठाइयों का बाजार गर्म है और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मिलावटखोर भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। देश भर में नकली मिठाइयों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर नकली मिठाई बनाने वाले लोगों को धर दबोचा। नकली मिठाइयों की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बंदरों के जश्न की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। सैकड़ों किलो बड़े बड़े सफेद रसगुल्लों का लुत्फ ले रहे हैं ये बंदर। लेकिन अगर यही रसगुल्ले आपके और हमारे गले से उतरते तो शायद मौत तय होती। जी हाँ, बंदरों के हाथ लगी मिठाइयों की ये खेप नकली है और इस खेप को नष्ट करने के लिए लाया गया था। 11 क्विंटल नकली चीजों से तैयार रसगुल्ले और सिंथेटिक मावे से तैयार मिल्क केक की ये खेप पकड़ी गई मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में। इस मीठे जहर को दिवाली के मौके पर घर घर तक पहुंचाने की तैयारी थी। मावे को चेक करा रहे थे हम, तो स्थानीय पुलिस के सहयोग से हमने मावे का सैंपल लिया है। उसके बाद हमें वहीं पे एक अज्ञात वाहन में, जो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया था, उसमें लगभग 10-10.5 क्विंटल के लगभग में मिठाई है, जिसमें 32 सफेद रसगुल्ला है और मिल्क केक है। उसको हम जांच करा रहे हैं। मुखबिर से मिली सूचना के बाद जब पुलिस ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर छापा मारा तो उनके होश उड़ गए। नकली रसगुल्ले, नकली मिल्क केक, नकली सोन पापड़ी, नकली पतीसा, नकली खोया और मावा समेत 11 क्विंटल जहरीली मिठाई टीम ने जब्त की। पुलिस ने एक मिनी ट्रक भी पकड़ा। पुलिस को देखकर ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने मिठाई बनाने वाली जगह पर छापा मार कर नकली माल को सीज कर दिया। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उस टाटा एस गाड़ी को चेक किया तो उसमें लगभग 6 क्विंटल सफेद मिलावटी रसगुल्ले एवं 3.5 क्विंटल के लगभग मिल्क केक एवं 1 क्विंटल सोहन पापड़ी मिलावटी वस्तुओं की बनी हुई बरामद हुई, जिसको खाद्य विभाग द्वारा चेक किए जाने पर अखाद्य पाया गया। त्योहारों के मौके पर मोटी कमाई का शॉर्टकट रास्ता है मिलावटखोरी। ऐसे में जरूरत है संभल कर चीजें खरीदने की, जिससे आपके और आपके अपनों की खुशियों पर कोई आंच ना आए। विजय सैनी, इंडिया टीवी, मुजफ्फरनगर। दिवाली में नकली मिठाइयों को लेकर छापेमारी तेज हो चुकी है। शहर शहर में छापे मारे जा रहे हैं। कहीं नकली मावा बरामद हुआ तो कहीं पर खराब रसगुल्ले भी मिले। कुछ दुकानों में फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी में ऐसी मिठाइयां मिली हैं जो इतनी खराब थी कि उसको खाने के बाद आपकी सेहत बिगड़ सकती है। यूपी और उत्तराखंड से मिलावट के गोलमाल की ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली में नकली मिठाइयों पर लगाम लगाने की तैयारी। शहर शहर गांव गांव मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। कहीं नकली मावा तो कहीं पर रेवड़ी और कहीं गचक पर गिरी गाज।
दिवाली पर आपकी सेहत का दिवाला ना निकले उसको लेकर छापेमारी तेज हो चुकी है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक नकली मिठाइयों के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। नकली मिठाइयों को लेकर हुई धरपकड़ की तीन अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से लेकर गोंडा और उधम सिंह नगर तक नकली मिठाइयों का कारोबार करने वालों पर लगाम लगाई गई है। कहीं नकली मावा जब्त किया गया तो कहीं पर मिठाई, रेवड़ी और गचक। सबसे पहले हम आपको उधम सिंह नगर की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रशासन की छापेमारी में यहां से 1.5 क्विंटल नकली मावा बरामद किया गया। ये नकली मावा यूपी से उत्तराखंड अवैध तरीके से लाया जा रहा था। इस नकली मावा से उधम सिंह नगर में मिठाइयां बनाई जाती जो सेहत के लिए खतरनाक है। दिवाली से पहले मेरठ में भी खाद्य विभाग की छापेमारी हुई। कई मशहूर दुकानों में हुई अचानक से इस छापेमारी से अफरा तफरी मच गई। खाद्य विभाग के अधिकारी दुकान के उन हिस्सों में गए जहां पर मिठाइयां बनाई जाती हैं। खाद्य विभाग को शिकायत थी कि इन दुकानों में नकली मिठाइयां बनाई जा रही हैं। लिहाजा रसगुल्ला से लेकर बर्फी और लड्डू तक की जाँच की गयी। एक एक करके सभी का सैंपल लिया गया। अधिकारियों ने रेवड़ी और गचक की दुकानों पर भी छापा डाला। यहां से भी सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए ले गए। हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है, उसमें स्पेशली मिठाई की दुकानों का, रेस्टोरेंट की हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और जहां जरूरत पड़ रहा है वहां सैंपलिंग कर रहे हैं। अगर कहीं कोई चीज़ खराब चीज़ मिलती है तो उसका नष्ट कर रहे हैं। उसको गजक, रेवड़ी, रस्क और मिठाइयों के सैंपल लिए। गोंडा में डीएम ने निर्देश दिया है कि दिवाली के समय कहीं भी नकली और जहरीली मिठाई ना बनाई जाए। लिहाजा खाद्य विभाग के अधिकारियों ने नकली मिठाइयों की शिकायत पर कई दुकानों में छापेमारी की। यहां पर जितनी भी मिठाइयां बनाई जाती हैं सबको जांच के लिए भेजा गया। दीपावली के दृष्टिगत जैसा शासन से निर्देश प्राप्त है, पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल 3 नमूने भरे गए थे और आज इस अनपुरा स्वीट्स पे कलाकंद का नमूना भरा जा रहा है, कलाकंद बर्फी का, और ये सब जांच के लिए जाएगा। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बार दिवाली में अगर आप खुद के लिए या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए मिठाई या खाने का कोई सामान खरीदते हैं तो सावधान रहिएगा। किसी भी सामान को खरीदने से पहले अच्छी तरह से परखें तभी खरीदें। मेरठ से हिमा अग्रवाल और गोंडा से अमित कुमार श्रीवास्तव के साथ नाहिद खान, इंडिया टीवी, उधम सिंह नगर। दिवाली से पहले अंबाला और हरिद्वार में भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। हरिद्वार में नकली मिठाई जब्त की गई तो अंबाला में कई दुकानों से मिठाइयों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। मुंह में पानी लाने वाले ये मीठे मीठे रसगुल्ले जानलेवा हो सकते हैं। दिवाली में ये मिठाइयां आपको बीमार कर सकती हैं। दीपावली से पहले मिठाइयों की असलियत परखने के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के कब्जे में कंटेनर में रखे ये रसगुल्ले जहरीले हैं। इन रसगुल्लों को हरिद्वार से बरामद किया गया है। ये दीपावली में बेचने के लिए हरिद्वार लाया जा रहा था, लेकिन दुकान पर पहुंचने से पहले, आपके मुंह में जाने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, वरना न जाने ये कितनों की दिवाली बर्बाद कर देते। मिठाइयों की ये खेप मेरठ से हरिद्वार लाई जा रही थी। हरिद्वार के बहादुराबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम गाड़ियों को रोक रोक कर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मेरठ से आ रही एक गाड़ी से ये 3 क्विंटल रसगुल्ला बरामद किया गया। इन मिठाइयों की जांच की गई तो पता चला कि ये सेहत के लिए खतरनाक हैं। टीम द्वारा धनोरी में गाड़ी जो मेरठ से आ रही थी उस पर मिठाई, 4 मिठाई बाजार में बेचने के लिए ला रही थी। संदेह के आधार पर उनको हमने पकड़ा और सैंपलिंग की। 3 क्विंटल का मिठाई थी जो संदेह के आधार पर हमने सैंपलिंग की। इतना ही नहीं, खाद्य विभाग की टीम हरिद्वार की कुछ और बड़ी दुकानों पर चेकिंग कर रही है। हरिद्वार की इस प्रतिष्ठित दुकान पर भी टीम ने छापा मारा और चेकिंग के बाद कुछ मिठाइयों के सैंपल को लेकर उनको जांच के लिए भेज दिया है। 2-3 दिन से लगातार सैंपलिंग की है, जिसमें 5-6 सैंपल हम पहले भी दूध और मावा इसके भेज चुके हैं। मेरे द्वारा 3 टीमें गठित की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बॉर्डर में बसों की, छोटी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, जिससे बाहर से मिलावटी सामग्री हमारे शहर में ना पहुंच पाए, मेरे जिले में ना पहुंच पाए। अभी संदेह हो, जहाँ संदेह के आधार पर लगे वहाँ सैंपलिंग की कार्रवाई करते रहे।
दीपावली से ठीक पहले अंबाला में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। शहर की बड़ी मिठाई की दुकान गोकुल स्वीट्स में अधिकारियों ने छापा मारा। टीम जब पहुंची तो खलबली मच गई। नकली खोया और नकली मेवा की शिकायतों पर फूड विभाग ने ये छापेमारी की थी। साथ ही मिठाई में नकली रंगों का इस्तेमाल का भी आरोप है। फूड विभाग के अधिकारियों ने दुकान से मिठाई का सैंपल जब्त किया और इसे जाँच के लिए लैब में भेज दिया। हम सभी दुकानों की कैंट में, सिटी में या डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको दिवाली इनके दो सैंपल्स लिए मैंने। एक तो कोकोनट पेठा लड्डू है, उसमें थोड़ा सस्पेक्टेड मुझे लग रहा है कि कलर ज्यादा ना हो। साफ है कि त्योहार को देखते हुए फूड विभाग हरकत में है, दुकानों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन देखना होगा कि इन छापेमारियों से ग्राहकों को कितना फायदा मिलता है। हरिद्वार से सुनील कुमार के साथ KK बाली, इंडिया TV अम्बाला।